हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, अभी दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और आज हम आ चुके हैं अहमदाबाद के जो कालूपुर रेलवे स्टेशन है उसके अंदर में। बिकॉज आप लोग के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे और आप लोग का ये कहना भी था कि भाई अगर आप अहमदाबाद में रहते हो तो क्यों ना हमें जो कालूपुर का जो रेलवे स्टेशन जो कि बहुत ज़्यादा अपने डेवलपमेंट के लिए फेमस है तो उसका हमें जो डेवलपमेंट है वो दिखाइए और उसके अंदर का अच्छी तरह से टूर प्रोवाइड किया। तो दोस्तों, आज आपकी डिमांड के ऊपर हम आ चुके हैं कालूपुर रेलवे स्टेशन में और यहाँ पे जो मेट्रो का और जो बुलेट ट्रेन का भी काम कर रहा है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। परमिशन मिली तो थोड़ी बहुत मैं आपको जरूर उसकी फुटेज दिखा दूंगा, लेकिन इसके अंदर का जो डेवलपमेंट हुआ कम समय के अंदर बहुत ही अच्छा जो कि देखने लायक है वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कम्प्लीटली आपको यहाँ का जो टूर है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। और बिना किसी देरी के भाई लेते हैं प्लेटफॉर्म टिकट, बिकॉज प्लेटफॉर्म टिकट के बिना तो हम अंदर एंटर भी नहीं कर सकते, इसलिए प्लेटफॉर्म टिकट लेके फिर अंदर हम आपको लेके चलते हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली अब हम चलते हैं अपनी प्लेटफॉर्म टिकट लेने की तरफ, फिर उसके बाद में अंदर एंटर करके आपको अच्छी तरह से यहाँ का जो किस तरह का डेवलपमेंट है, किस तरह का यहाँ पे जो विकास किया गया है वो आपको डिटेलिंग में आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो बिना किसी देरी के अब इस जगह से हम पहले टिकट लेंगे। भाई एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो कर लेना, इंडिया का फ्लैग। चलिए अब लेते हैं पहले टिकट। Another year is gone, but baby, all I know is that I want you here under the mistletoe. We know that months flew by, now you're a part of me. So, दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने थोड़ी देर पहले ही प्लेटफॉर्म के जो टिकट थे ली थी जो भी टिकट बूथ के ऊपर से, लेकिन और टिकट के कॉर्नर में आने से जैसे कि चार आपको मशीन दिख रही है, इसमें आप जनरल के लिए ऑल इंडिया मतलब कहीं के लिए भी आपको जनरल टिकट निकालनी है तो ये ऑनलाइन ही समझ लिए ऑटोमेटिक मशीन के जरिए आप यहीं से निकाल सकते हो। आपको वहाँ पे लाइन में खड़े रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, लेकिन हाँ रिजर्वेशन नहीं होगा, बस ये जस्ट जनरल कोच के लिए। अगर आपको जनरल टिकट लेनी है ऑल इंडिया कहीं के लिए भी तो यहाँ आपको वो टिकट मिल जाने वाली है, वो भी ऑटोमेटिकली आप जो इसे निकाल सकते हो, बस उसका प्रोसेस आपको आना चाहिए। तो ये भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि पहले यहाँ पे नॉर्मल सीढ़ियाँ का यूज़ किया जाता जिससे कि लोग आते थे और जाते थे भी, लेकिन अभी भाई डेवलपमेंट के चलते इसको भी ऐड कर दिया जो इंडियन गवर्नमेंट जो रेलवे गवर्नमेंट से खास करके एक्सीलेटर का यहाँ पे यूज़ कर दिया गया, जो कि अच्छा भी है भाई, जो यहाँ के जो यात्री हैं उनको देखने के लिए अच्छा भी एक लगता है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है, तो भाई बहुत अच्छा एक चीज़ बना दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ और प्लेटफॉर्म नंबर 1 कैसा आपको दिखता है वो भी आपको इसमें दिखाने की मैं कोशिश करूंगा और एक से लेकर 9 प्लेटफॉर्म तक यहां तक मैं आपको जरूर दिखा दूंगा, लेकिन भाई छोटे छोटे पार्ट के दौरान में। अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको ले चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मतलब पहले तो बस है ना, मैं थोड़ी देर लगभग 1-1.5 साल पहले आया था तो वहाँ पे बस एंट्रेंस गेट पे एक्सीलेटर का यूज़ किया गया था, लेकिन अब हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको ये डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा, एक्सीलेटर की जो सुविधा है आपको देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी ही है। भाई अब हम चल रहे हैं अपने, जैसे कि आप देख सकते हो हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीनों लैंग्वेज में लिखा है प्लेटफॉर्म नंबर 1। और दोस्तों, जो अब आप नज़ारा देख रहे हो वो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का, जो कि आप देख सकते हो खाली एक इंजन वहाँ से चला आ रहा है और ये है कुछ नज़ारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। और इस तरफ देख सकते हो आप बहुत दूरों तक भाई लोग वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, जो कि इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी। अभी तो इंजन आया लेकिन भाई सभी लोग वेट कर रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ, फिर से हम इसी एक्सीलेटर का भाई सहारा लेते हुए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो हम प्लेटफॉर्म नंबर जो मेरे राइट साइड में वो है दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर, और जो मेरे लेफ्ट हैंड पे वो है तीसरा नंबर प्लेटफॉर्म का। लेकिन दोस्तों, एक बात मैंने खास नोटिस की, भाई बहुत लोग क्या होता है ये टेक्निकल का इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, भाई वो लोग को सीढ़ियों की आदत होती है तो भाई उनके लिए सीढ़ियाँ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में भाई जो लोग जैसे कि एक्सीलेटर से जाने का जिन लोग का शौक होता, भाई जो लोग चल नहीं पाते तो उनके लिए वो भी डेवलपमेंट भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, वो स्टेयर्स का अपने नॉर्मल जो स्टेयर्स है उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ये कोई ट्रेन छूटी है, ट्रेन नहीं पता कौन सी है बट छुट्टी है। तो अभी तक आपने वीडियो में जितना भी मैंने यहाँ का डेवलपमेंट है वो आपको दिखाया, लेकिन लिटरली दोस्तों मेरी बातों पर विश्वास करना,
यहाँ का भी डेवलपमेंट जो भी हुआ मैंने 10-15% ही बस आपको दिखाया हुआ, लेकिन अभी जो असली यहाँ का डेवलपमेंट है ना वो अभी जारी है भाई, क्योंकि यहाँ का जो बुलेट ट्रेन जो जारी हो चुका है, अंडर कंस्ट्रक्शन काम है वो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। तो जो मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे बन चुका भाई, जब वो बन जाएगा ना तब ये जो कालूपुर रेलवे स्टेशन का भाई कहना ही कुछ नहीं होगा, बहुत नेक्स्ट लेवल यहाँ का जो डेवलपमेंट है भाई, बहुत तेज़ी से यहाँ का डेवलप हुआ। क्योंकि आज से लगभग 1-1.5 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था भाई, बहुत कम नॉर्मल सा स्टेशन था भाई, जैसे कि आप देख सकते नॉर्मल से स्टेयर्स थे, नॉर्मल से मतलब बहुत ही नॉर्मल था। लेकिन अब भाई धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है इंडियन गवर्नमेंट के लिए भाई। जो इंडियन रेलवे गवर्नमेंट है वो बहुत खास ध्यान दे रही है कालूपुर रेलवे स्टेशन के जरिए। अब भाई मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, उस पर खास करके हम लोगों को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मैं इस खास चीज़ पर ध्यान देने के लिए कह रहा था कि सरकार तो हमारे लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराती है, हर तरह की हमें जो हेल्प है प्रोवाइड कराती है, लेकिन भाई कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देख सकते हैं यहाँ खास करके डस्टबिन पड़ा है, ऐसे डस्टबिन हर एक जगह पड़ा हुआ है, जैसे कि जो गीला कचरा था वो डालने के लिए, सूखा कचरा था वो डालने के लिए। लेकिन भाई फिर भी यहाँ के पैसेंजर देखिए, यहाँ के लोग देखिए, इस तरह का भाई, चाहे मैं अपनी ही बात करूँ चाहे किसी और की भी बात करूँ, इस तरह की जो गलतियाँ करते हैं ना भाई, ये जो बाहर से लोग आते हैं कालूपुर रेलवे स्टेशन पर, यहीं से हमारी पहचान पता चल जाती है। इसलिए खास करके हमारा भी भाई कुछ जो दायित्व वो बनता है, इसलिए वो हमें प्रॉपरली निभाना चाहिए। सरकार अपना निभा रही तो हमें भी अपना निभाना चाहिए। हम पहुंच चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर जो कि मेरे राइट हैंड पे, वो है प्लेटफॉर्म नंबर 8 और जो राइट हैंड पे वो है प्लेटफॉर्म नंबर 9। लेकिन दोस्तों ये इसमें लगभग 12 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, लेकिन अभी जैसा कि आप देख सकते हो ये ऑलरेडी जितना भी आप देख रहे हो बुलेट ट्रेन का यहाँ पे काम जारी है, जो कि बहुत अच्छा है। यही डेवलपमेंट है भाई, जिस दिन ये डेवलपमेंट पूरा हो गया ना, लिटरली दोस्तों भारत का नाम एक अलग ही पन्ने में लिख जाएगा, जो कि अहमदाबाद का, जो गुजरात का जो अहमदाबाद है वो भाई अलग ही अपना एक इतिहास बना लेगा जिस दिन ये मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो इसी तीन जो प्लेटफॉर्म और थे, जिसकी 12 प्लेटफॉर्म टोटल थे यहाँ पे, वो 3 प्लेटफॉर्म इनके ज़रिए भाई बंद हो गए, लेकिन 9 प्लेटफॉर्म हाल फिलहाल यहाँ तक, जो कि नवा प्लेटफॉर्म जो कि 9 नंबर आपको दिख रहा है, वो बस यहाँ का लास्ट प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो कि मेरे राइट हैंड पे ये कोई ट्रेन भी रुकी हुई है और वहाँ से कोई ट्रेन भी आ रही है भाई। लेकिन लिटरली दोस्तों ये है कुछ बुलेट ट्रेन का काम, और मेट्रो स्टेशन बगल में ही बन चुका है, वो पूरा तरीके से बन चुका, बस कहीं कहीं स्टार्ट हो चुकी है, कहीं कहीं बाकी है, तो बस वो भी काम जारी है। अब दोस्तों लिटरली दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ भाई, कहीं ना कहीं है ना सरकार अपना पूरा दायित्व है जो पूरी तरह से निभा रही है, लेकिन हमारा भी भाई कुछ फ़र्ज़ बनता है। जैसे कि आपको मैंने दिखाई कई कई तो पार्ट ऐसे भाई मैं दिखा भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी मैंने कुछ चीज़ें अभी देखी मैं आपको लिटरली दोस्तों दिखा भी नहीं सकता। इसलिए संभल के रहिए भाई, अगर आपका कहीं डेवलपमेंट करना, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ हमें बचा के रखना है, तो भाई कहीं ना कहीं हमें भी समझ के चलना चाहिए, हर एक चीज़ सरकार नहीं करेगी, इसलिए ध्यान रखिए इस बात का। दोस्तों मैं क्यों ना ये जो रेलवे स्टेशन का आपको टूर देने आया था, लेकिन भाई एक ट्रेन खड़ी थी भाई, मैंने क्यों ना सोचा कि अंदर का आपको जो भी यहाँ जो इंडियन जो गवर्नमेंट है भाई, जो रेलवे गवर्नमेंट है, आपको किस तरह का स्लीपर कोच में आपको सुविधा प्रोवाइड करती है वो भी आपको उसकी एक झलक दिखा दूँ। मेरे साथ आइए, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ ऊपर, दिखाई भाई ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हर एक सुविधा, जैसे कि हर एक डिब्बे में 3-3 फैन भी लगे हुए हैं, चार्जिंग पॉइंट भी, जैसे कि आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये चार्जिंग पॉइंट है, जब ये ट्रेन स्टार्ट होगी तो ये स्टार्ट होगा। लेकिन भाई लिटरली गवर्नमेंट सरकार पूरी तरह से भाई अच्छी से अच्छी जो स्लीपर कोच में आपको सुविधा प्रोवाइड करती है, और भी अच्छी अच्छी यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है। सामने देख सकते हो आप, बिल्कुल सामने आपको एक मिरर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और बहुत अच्छी यहाँ की सुविधा रखी, साफ सफाई बहुत है, खास करके यहाँ की साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। अभी लगभग ट्रेन आए हुए भी बहुत टाइम हो गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ट्रेन से पूरी तरह से सफाई कर दी है। मैं बिना किसी देरी के आपको यहाँ का जो टॉयलेट है वो आपको दिखा दूँ, वहाँ की टॉयलेट की सफाई कैसी आ रही है भाई, देख सकते हो ये है नीचे कूड़ादानी, प्रॉपरली यहाँ पे स्लीपर कोच में कूड़ादानी है, और ये है सामने मिरर, यहाँ पर हाथ मुंह धो सकते हो, पानी भी आ रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे टंकियां भी फुल की जाएगी तब पानी आएगा। और ये है यहाँ का स्लीपर कोच का कुछ देख सकते हो आप टॉयलेट, दिखा भाई ये है स्लीपर कोच का टॉयलेट, जो देख सकते कितना नीट एंड क्लियर है भाई, और यहाँ से फिर स्लीपर नंबर जो भी कोच है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। ये देख सकते हो भाई, गलती से पता नहीं कैसे ये एक फैन चालू ही रह गया है भाई। लिटरली दोस्तों आप एक मतलब केबिन की सुविधा देखिए, क्या चाहिए एक मतलब स्लीपर कोच में 400-500 रुपए के अंदर एक प्रॉपर सीट मिल जाती है, ऊपर हमें सीट मिल जाती है, पूरा अगर एक फैमिली आती है आराम से वो अपने सफर को मतलब बहुत इंजॉयफुल कर सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ बोतल रख सकते हो, मतलब यहाँ पे एक पार्टिया टाइप, जब ये इंसान वहाँ पे खाना रख के आराम से अपने भाई इंजॉय कर सकते हो, और ये फैमिली मिरर भी है, यहाँ पे चेन दी गई है। मैंने आपको जिस ट्रेन का टूर दिया था वो ट्रेन ये है, उस ट्रेन का नाम है बोरेवली वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस,
जिसके अंदर की भाई जो कि सुविधा थी स्लीपर कोच की भाई मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन लिटरली दोस्तों आप ये मत समझिए कि इतना ही इनफ है भाई, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी ट्रेन है जिसके अंदर इससे भी अच्छी अच्छी सुविधा उपलब्ध कराती है हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट रेलवे। जैसा कि आज आपने देखा कि मैंने आज आपको डिटेलिंग में कैसा डेवलपमेंट है हाल फिलहाल जो कि अहमदाबाद का कालूपुर रेलवे स्टेशन का पूरा अच्छी तरह से हमने आपको टूर प्रोवाइड किया। लिटरली दोस्तों आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा इस वीडियो का वो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों अगर आपको और भी कोई जगह देखनी है मेरे थ्रू अहमदाबाद के अंदर तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो चीज़ करके बताइएगा ताकि मैं वो आपकी डिमांडिंग वीडियो जल्द से जल्द लेके आप तक पहुँच सकूँ। और हाँ दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो कालूपुर रेलवे स्टेशन का जो डेवलपमेंट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 90% ऐसे जो काम है जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब वो पूरा हो जाएगा ना लिटरली दोस्तों तो यहाँ का जो कालूपुर रेलवे स्टेशन का हुलिया ही बदल जाएगा। बताना दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पहली बार अपने इस भाई के चैनल पर पहली बार अपने इस भाई को देख रहे हो तो चैनल के नीचे जो रेड या व्हाइट कलर का जो भी बटन दिख रहा है उसे प्रेस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस भाई भाई सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। जो तकनीकी का जो असली इस्तेमाल है भाई करते हुए